सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यार ये लोकेशन ना मतलब देख के मेरे को एक बार तो बहुत अजीब सा लगा, सही बताऊँ बहुत अजीब लगा। अभी मैं इस लाइट के नीचे खड़ा हूँ तो थोड़ा सा मेरे अंदर है कि हाँ सही है, चलो अभी थोड़ा सा सेफ लग रहा है मुझे। लेकिन अभी मैं आपको जब वो रोड दिखाऊँगा ना, उस रोड पर आप देखना भाई क्या हालत हो रखी है उस रोड की। और ये लोकेशन मुझे बताई है मेरे सब्सक्राइबर ने, और उसने ये बोला कि भाई आपको मैं एक लोकेशन दिखाता हूँ लेकिन मैं आगे नहीं जाऊँगा, आप देख लेना, आप चार पांच बंदे लेके आना क्योंकि ये एरिया सेफ नहीं है। लेकिन मैं फिर भी अकेला आया हूँ क्योंकि देखो यार कुछ एक आवाज़ आई मुझे पीछे से, क्योंकि देखो चार पांच बंदे होते हैं, आठ दस बंदे होते हैं, उनका कोई सेंस नहीं है यार, वो जाएंगे और मतलब ऐसा कुछ। ओए ये देखो ये देखो ये भाई अपने आप मूव किया है, मतलब ऐसे लगा मुझे जैसे कोई गया है यहाँ से। जैसे ही मैंने पहले थोड़ी देर पहले बोला ना कुछ आवाज़ मुझे पीछे से आई, वैसे ही ऐसे इधर से कुछ जाता हुआ दिखा और वो झाड़ियाँ ही ली हैं सामने। तो भाई उस सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि मैं नहीं जाऊँगा, आप जाओ और बंदे लेके आना। तो मैं बंदे तो नहीं लाया हूँ, अकेला ही आया हूँ, क्योंकि देखो अकेले जाएंगे तभी वो एक्टिविटीज़ और वो चीज़ें फ़ील हो सकती है, वाइब फील हो सकती है उस जगह की, और लोकेशन का पूरा पता लग सकता है कि हाँ यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर आठ दस बंदे होंगे तो भाई वो तो वैसे भी डर तो रहेगा ही नहीं ना, डर तो रहता ही नहीं है क्योंकि बाकी जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो आठ दस बंदे साथ में जाते हैं और शूट करके आ जाते हैं, तो उनको कहाँ से डर लगेगा भाई, कहाँ से फील आएगी। तो लोकेशन को पहले फील करते हैं, फिर वहाँ पर जो भी समझ में आता है, जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको जज करके बताते हैं। तो मतलब तरीका यही होता है लोकेशंस को शूट करने का। ठीक है यूट्यूब पर चला हुआ यार सब कुछ, एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं सब, अच्छी बात है करो भाई सब करो। तो हम तो भाई ऐसे ही बनाते हैं, देखो मैं अकेला आया हूँ इस टाइम पे और अभी आपको मैं रोड दिखाता हूँ आगे, बहुत ही ख़तरनाक है। और उस भाई ने ये भी बोला था कि मतलब एक है ना अजीब अजीब सी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ आती है, हंसने की आवाज़ आती है, कोई ऐसे साया दिखता है, कोई मतलब मूव करता हो जाता है, पता नहीं मतलब अजीब अलग अलग से उसने किससे बताए। वो बोल रहा था एक गाँव वालों ने, ये क्या है, ये कुछ आवाज़ आई भाई, कुछ बहुत ही अलग सी आवाज़ थी। कुछ समझ नहीं आया मुझे कहाँ से आई आवाज़। तो भाई चलो फिर चलते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते, लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ, आपको भी फील कराता हूँ आज ये लोकेशन। देखो भाई ये एक लाइट जल रही है और ये रोड देखो पूरा अंधेरा भाई, यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है और ये बेंचेस पहले के लगी हुए हैं, लेकिन बेंचेस भी देखो अजीब तरीके से, बेंचेस भी एक बेंच यहाँ लगी हुई है और एक बेंच वहाँ लगी हुई है, और इन बेंच का भी मुझे कुछ वही ये देखो भाई, और कुछ चलने की आवाज़ भी आ रही है, वही कुछ चलने की आवाज़ आई यहाँ से मुझे। तो मैं ये कह रहा था देखो बेंचेस भी ऐसे ही लगाई हुई हैं, मतलब रैंडम पड़ी हैं यहाँ पे, तो हो सकता है ये पहले कुछ हो यहाँ पे, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ उस रोड पे, इस जगह पे, तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि क्या है आगे। ओ शिट ये क्या आवाज़ थी, यहाँ से आई आवाज़। ओ भाई ये तो एक्टिविटी स्टार्ट हो गई लग रही है, ये देखो चलने की आवाज़ भी आ रही है, तो भाई देख लो आप लोगों के सामने अकेला इस ओ भाई ये क्या गया था यहाँ पे। अब देखो मैं इतना दूर हूँ इससे, अब ये मत बोलना कि ये मैंने ही लाया है, क्योंकि अभी लास्ट वीडियो पे एक कमेंट आई कि भाई तुम हिला रहे हो खुद, तुम आवाज़ें निकाल रहे हो, भाई मैं कहाँ से करूँगा, दोनों हाथों में मेरे एक हाथ में कैमरा है, एक हाथ में ये देखो ये कैमरा है और ये लाइट है, मैं कैसे करूंगा यार। तो अब देखो आप ये रोड देखो भाई, और ये चलने की आवाज़ कंटिन्यूस आ रही है भाई, ये देखो मैं रुक जाता हूँ, ये देखो फिर से एक आवाज़ आई, ओ भाई ये क्या चट्टान टूटी है क्या हुआ है, ओ शिट
मतलब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ ना, वैसे वैसे एक्टिविटी स्ट्रांग होती जा रही है। और मैं पीछे भी बार बार देख रहा हूँ भाई, घुमा घुमा के, कि कुछ है तो नहीं। और ये चलने की आवाज़ यार, मेरे अलावा भी चलने की आवाज़ आ रही है एक। ये देखो मैं रुक गया, ये देखो, और कोई भी नहीं है भाई, कोई भी नहीं। ये देखो फिर से, तेरे शूज की आवाज़ नहीं है। ये देखो भाई, ये तो बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, अकेले जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ओह शिट गाइस, ये आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है अगर कैमरा पे। ये एक इधर भी रास्ता जा रहा है। ओह ओह शिट, ओह ये एक रास्ता इधर भी जा रहा है। ये देखो रोड, देखो एक बार आप, मैं एक बार थोड़ा सा इस रास्ते पे जाके देखता हूँ। वैसे जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी देखो भाई, हम बिल्कुल है ना अंदर तक जाते हैं। ओ भाई पूरा रास्ता जा रहा है ये तो जंगल के अंदर। वो देखो पूरा जंगल है, और ये चलने की आवाज़ तो भाई कंटिन्यूस आ रही है, कंटिन्यूस कंटिन्यूस चलने की आवाज़ आ रही है। मैं ऐसा करता हूँ एक बार, जो ओए ओ जो कहानी है ना वो भाई, वो है इस रोड की। मैं एक बार फटाफट से रोड पे आ जाता हूँ। ये एक लाल कलर की कुछ लाइट सी चमक रही है सामने, अब देख लो भाई, कोई नहीं है। देखो देखो कोई भी नहीं है। आप लोग कहते हो ना साथ में होगा भाई, तेरे साथ में होगा, कोई नहीं है यार, कोई भी नहीं है। ओ शूट, ओ भाई, मतलब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना इस रोड पे, वैसे वैसे ये क्या है यहाँ पे, ये क्या है भाई, ये तो कोई घाटी सी लग रही है यहाँ पे। और ये देखो फॉग एकदम से बढ़ गई यहाँ पे। ओ मेरे ना सांस फूल गए हैं, मतलब मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। और एक डर भी लग रहा है कि मुझे आगे जाना चाहिए नहीं, लेकिन भाई जाएंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो भाई कैसी लोकेशन पे अकेला खड़ा हूँ भाई मैं। बहुत ही खतरनाक लोकेशन है ये सही में। मतलब जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ ना रोड पे, जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ, वैसे वैसे एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। और चारों तरफ जंगल है भाई, कुछ भी नहीं है आसपास, और ना मेरे साथ में कोई है। तो भाई अब लोकेशन को एक्सप्लोर करने आए हैं, तो आगे चलना ही पड़ेगा, वरना आप लोगों को भी मज़ा नहीं आएगा ना लोकेशंस। ओए ये क्या हुआ, और देखो चलने की आवाज़ फिर से आ रही है। बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है भाई यहाँ पे, मतलब इतना मैंने सोचा नहीं था इतनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी। देखो लोकेशन देखो यार, मतलब पहाड़ी एरिया। ओए ओ भाई हंसने की आवाज़ आ रही है, हंसने की आवाज़ आ रही है भाई, भाई हंसने की आवाज़ थी ये क्लियर। कुछ समझ नहीं आ रहा यार, आगे चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। और देखो फॉग देखो एकदम से बढ़ गई है,
ये क्या है इधर, ये देखो इधर पूरा चट्टानी एरिया, जंगल, फुल जंगल है भाई, फुल जंगल। और देख लो आपका भाई खड़ा है अकेला इतनी खतरनाक लोकेशन पे, आपका भाई सौरभ पुनिया खड़ा है अकेला क्योंकि डर के आगे जीत है। उसी डर को मिटाने और उस चीज का सामना करने आज हम आए हैं, आप लोगों को लाया हूं मैं साथ में। ओ भाई, ओ भाई, ओए इस पोल से आवाज आई। ओ भाई ये क्या हुआ, ये तो कुछ अलग ही हो गया, जैसे कोई बहुत हैवी चीज टकराई हो इससे। कौन है यहाँ पे, कौन मौजूद है यहाँ पे, क्या आप मेरे से बात करोगे? हो ये क्या था, क्या बोला मैं? ओ भाई ये तो कुछ ज्यादा ही होता जा रहा है भाई, मतलब मैंने पूछा कौन मौजूद है यहाँ पे तो सामने से जवाब आया मैं। ये ओए 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 ये देखो, और एक चलने की आवाज यार, ये चलने की आवाज कैसे आ रही है मेरे समझ नहीं आ रहा, कोई भी नहीं है भाई। ये क्या है, ओ भाई ये अभी चिल्लाने की भी आवाज आ रही थी। तो भाई एकदम से कैमरा बंद, मतलब उस भाई ने मुझे ये भी कहा था कि यहाँ पे लाइट के पोल्स हैं और इस पोल से देखो आवाज़ आई थी, जो लाइट मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी वो जल रही थी, इसके बाद जो आगे लाइट्स है ना कोई भी नहीं जल रही है भाई, और ऐसे ही मेरा कैमरा ऑफ हो गया अभी, और मुझे बहुत तेज़ आवाज़ आई जैसे है ना 4-5 लोग हंस रहे हैं, मतलब हैवी वॉइस में मुझे एक आवाज़ आई, 4-5 लोग हंस रहे भाई, ये बहुत स्ट्रेंज था। अब थोड़ा सा मुझे ऐसे फील हो रहा है कि हाँ कुछ गड़बड़ है भाई यहाँ पे। अब वो पता नहीं पहले कैमरा पे रिकॉर्ड हुई है नहीं हुई है, वो आप लोग सुनना ध्यान से और बताना मुझे। ये चलने की आवाज़ तो यार कंटिन्यूस आ रही है, पता नहीं कहाँ से। देखो कोई भी नहीं है, ना पीछे है मेरे ना। ओए ओए ये क्या हुआ, कौन है यहाँ पे, क्या आप ये फिर से कर सकते हैं? ओए ये फिर से एक आवाज आई, हैवी आवाज। ओ भाई ये हो सकता है कोई जानवर हो, और हो सकता है ओए हो सकता है स्पिरिट। ओ भाई ओबे शिट, ओबे यार ये बहुत ज्यादा हो गया। अब आप लोगों के सामने है भाई, सामने कैमरा पे रिकॉर्ड हुआ है। ओ शिट, ओए 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 ओबे ओ शिट, कौन है यहाँ पे? अब मुझे इधर से आवाज आई, ये देखो फिर से चलने की आवाज आ रही है। अभी देखो कितना मूव कर रहा था ये, मैं एक बार है ना इसके पास जाके देखता हूँ, भाई देखो मैं रिस्क तो उठा रहा हूँ बहुत ज़्यादा, जो कि नहीं उठाना चाहिए, लेकिन क्या करें भाई। एक सेकंड मैं थोड़ा सा इसको कैमरा को वाइड एंगल में कर लेता हूँ, ये देखो नीचे उतर के दिखा देता हूँ अभी, मतलब ये जो है ना ये झाड़ी पूरी ऐसे मेरी साइड आ गई थी भाई, और ये देखो अभी मैं नीचे जाता हूँ। अब देखो मेरे पास सेफ्टी है ना, मेरी पॉकेट में है, लेकिन जा रहा हूँ भाई आपके लिए दिखाने के लिए, कि क्योंकि कुछ लोगों की ये भी होती है ना डाउट कि भाई कोई होगा पीछे, कुछ होगा,
आपके साथ कोई बंदा होगा तो भाई कोई बंदा नहीं है मेरे साथ में। देखो एक बार मैं दिखा देता हूँ पीछे से भी। ओ, 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 मतलब इसके पास में आते ही ओ भाई ये जगह भी कुछ खतरनाक सी लग रही है मुझे। ओ शिट, ये क्या है? ओ भाई ये किसी जानवर की है। तो भाई ये क्या आवाज है देख लो आप लोगों के सामने है लोकेशन भाई आप लोगों के। ओए फिर से एक आवाज आई ये। ओ शिट, ओए ये देखो फिर से मूव हो रही है। अब मैं ना अब देखो मैं फटाफट से आपको है ना जाके दिखाता हूँ कि कोई है कि नहीं। ओ भाई बच गया। ये देखो ओए ओ शिट ओए ओए बहुत खतरनाक होता जा रहा है भाई। ओए ओए शिट ओए भाई कहाँ से आ रही भाई आवाज यार मुझे ना सच बताओ। ओ शिट हंसने की आवाज भाई। मैं एक काम करता हूँ मैं आज है ना अकेला आया हूँ एक बार गाड़ी के पास चलता हूँ मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा यहाँ पे भाई। एक बार मैं ऐसा करता हूँ गाड़ी के पास ही चलता हूँ। ओ भाई पीछे से हमला हो रहा है मेरे ऊपर ऐसा लग रहा है मुझे। ओ शिट भाई सेफ नहीं लग रहा यहाँ पे। अब ये पत्थर पता नहीं ऊपर चट्टान से गिर रहे हैं या वो जो यहाँ पे मौजूद है वो ये सब एक्टिविटी। ओ शिट यहाँ से आवाज़ आई। ओए मेरे पास से गई है बिल्कुल। ओ भाई भाई गाड़ी के पास चलना ही सही रहेगा मतलब इतना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है मैंने सोचा नहीं था भाई। ये देखो सारी सारी लोकेशन देख लो भाई आप। ओ भाई ओ शिट गाड़ी कहाँ पे है? तो भाई अकेला था इसलिए गाड़ी के पास आ गया हूँ अपनी और लोकेशन में भाई बहुत दम है सच बता रहा हूँ बहुत खतरनाक लोकेशन है। इतनी ज़्यादा हैवी एक्टिविटी मैंने आज तक नहीं देखी ना ही आप लोगों ने मेरे वीडियो में देखी होगी आज आपको देखने को मिलेगी। तो अब आपका काम ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजो इस वीडियो को दिखाओ कि इस तरह से भाई एक्टिविटी हो सकती है। देखो मतलब मैं खुद शॉक्ड हूँ यार इतनी ज़्यादा एक्टिविटी मैंने आज तक नहीं देखी भाई सही में। और सब आपके सामने है भाई सब आपके सामने है। मेरा ये नहीं होता कि कहीं पे अपने गांव में आसपास जाके झाड़ियों में कहीं भी वीडियो बना दिया और कुछ भी दिखा दिया सफ़ेद कपड़ों में कोई भी जा रहा है दिखा दिया भाई वो अपना काम नहीं है। अपने जो होता है वो दिखाते हैं और लोकेशंस जो होती हैं वो ढूंढते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स बताते हैं कि भाई ऐसी ऐसी लोकेशंस है वहाँ पे ये एक्टिविटी होती है इस तरह के चीज़ें देखी गई हैं उसी पे हम जाते हैं भाई। तो ये देख लो आप लोगों के सामने हैं लोकेशंस नई होती हैं बढ़िया होती हैं मतलब दमदार होती हैं भाई दमदार कहूँगा मैं इस लोकेशन को बहुत ज़्यादा खतरनाक लोकेशन है ये। ये क्या आवाज़ थी? अभी मुझे कुछ ऐसे लगा जैसे यहाँ पे कोई खड़ा है ठीक है हो सकता है क्योंकि ये सब जो चीज़ें होती हैं ना मैनिपुलेट करती हैं मतलब जो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देख लो ये आपके सामने है ये लाइट जल रही है आगे की एक भी लाइट नहीं जल रही है क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्टिविटी वहीं बताई गई थी और वहीं हुई है इसलिए हो सकता है कि इलेक्ट्रिक वाली जो लाइट्स हैं वो सारी बंद थी सब खराब हो चुका है। तो भाई अब आप लोगों का काम है इस वीडियो को शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना और कंटेंट को आगे बढ़ाना आप लोगों के लिए ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय।